अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जरबीन फातिमा और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल गुल्लक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राइड, जो बहुत ही मज़े का होता है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो चिकन, एक नींबू, एक अंडा, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच सिरका। तो चले बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक बर्तन लेंगे, उसमें चिकन डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक। अब हम इसके ऊपर एक नींबू निचोड़ देंगे। मैंने इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। और हाथ की मदद से ये सारी चीजें इस चिकन के ऊपर मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले इसके ऊपर अच्छे से लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर अंडा तोड़ के डाल देंगे। और हाथों से इसको लगा देंगे। अड्डा मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे 11 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अभी तो रात है, मैं इसे कल फ्राई करूंगी। हमने इसे फ्रिज में रखना है। 12 घंटे हो गया, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। देखें, चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच सिरका डाल देंगे। और इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। तो इसकी कटिंग के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप चावलों का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। हम बाउल लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। चावलों का आटा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक एक चिकन का पीस उठाएंगे और इसे कोटिंग करके प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी की भी कोटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। अब हम इसे दोबारा इसमें जो अंडे का मिक्सचर था इसमें डाल देंगे। और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखे मैंने इसके ऊपर सारा अंडा फिर से लगा दिया है। अब हम इसके फिर से उठाएंगे और एक एक लेयर लगा के फिर से प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए हमने इसकी डबल कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। हमारा घी गरम हो गया है। अब हम एक एक करके डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। देखिए हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। हमने इसे दरमियानी आग पे फ्राई करना है। देखिए हमारे चिकन फ्राइज तैयार है। दोनों साइडों पे बराबर कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मजे के चिकन फ्राइज बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।